वलम अल रसूल करीम वल वही अजमाइम अज़बिल बसमिल्लर विमा वील तकवा मिनकुम सदक मऊलन आज़ीम नजरिन करामकम वरम तबरक शुभलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इद्राकियात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इफ्तार अली गिलानी नाजरीन ईद अजहा हमारे करीब है इनशा कल और परसों और तीन दिन के लिए अजहा का दिन हम मनाते हैं और इसमें जो सबसे बड़ी इबादत है इसे योम नहर कहा जाता है तो इस दिन की जो सबसे बड़ी इबादत है वो ख़ून बहाना है कुर्बानी करना है अल्लाह ताला कुरान मजीद इरशाद फ़रमाते हैं कि तुम जो कुर्बानी करते हो इसका गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता इसका ख़ून भी अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता बल्कि तुम जो कुर्बानी करते हो इसका तकवा अल्लाह के यहाँ पहुँचता है आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी कुर्बानी है इस अहम मौ पर गुफ्तु करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं सबसे पहले आपकी खिदमत में उनका तारफ़ पेश करता हूँ मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती सैदुलरहमान आवान साहब आप सदर हैं शोबूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान अलैक् डॉक्टर साहब डाक्टर साहब सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि एक अहम मौजूद पर गुफगू के लिए आप स्टूडियो से शेफ लाएँ डाक्टर साहब क़ुरबानी की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है और इसका पस मंज़र क्या है बिस्मिल्लर क़ुरबानी के हवाले से यही सवाल इसी तरह का सवाल ख़ुद रसूल वहाबाब इक्राम ने किया कि अल्लाह के, के रसूल इस कुर्बानी की हकीकत क्या है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम इब्राहीमलाम की सुन्नत। है तो क़ैर कि कुर्बानी की नस्बत इब्राहीमत के अमल से है जी बिल्कुल और ये वो अमल है जिसका ख़ुद कुरान हकीम ने बड़े तफसल के साथ जिक्र किया इब्राहीम की जो पूरी ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी बंदगी और उसके अहकाम के सामने अपने आप को हर वक़्त सरे तस्लीम खम करने की इसी को इस्लाम भी कहते हैं इस्लाम का बुनियादी मफहूम ही यही है कि अल्लाह के सामने अपने आप को पेश कर दें दे। बेशक सर झुका दें बिल्कुल तो अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत सारे वाकयात हैं जो इस बात को बताते हैं कि उन्होंने हर मौके पर अल्लाह ताला के मंशा को हर रिश्ते पर हर ताल्लुक़ पर तरजीह दी कोई रिश्ता भी रास्ते में रुकावट नहीं बना चाहे घर का करीब तरीन रिश्ता बाप का था वो रुकावट नहीं बना फैमिली नहीं बनी वतन नहीं बना कौम नहीं बनी हुक्मरान नहीं बने कोई भी चीज़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकी। बेशक इसलिए तो अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का दिया। इसी वजह से इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने दिया है कि इब्राहिम अलीसलात की मिलत पर ही तमाम अम्बिया भेजे गए सुबह अल्लाह नस्ल के तबार से भी और मिशन के अतबार से भी यानी इनके बाद कोई पैगम्बर ऐसा नहीं है जो इनकी नस्ल से ना हो और इनके मिशन पे ना हो चारों जो बड़ी किताबें जो हमारे इल्म में है वो चारो किताबे मिलत इब्राहिम है उसके बाद तोरात है जबूर इंजील कुरान सारी मिलत इब्राहिम में बेशक तो अब ये जो क़ुरबानी का वाक़ है ये भी इस बात को बताता है कि इब्राहिम सलाम अल्लाह के साथ ताल्लुक में किस दर्जे पर फाइज थी एक तो अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे में औलाद दी और बुढ़ापे की ज़ाहिर हर आदमी इस बात को समझता है कि उससे इंसान का कितना लगाव कितना ताल्लुक होता है बिल्कुल तो इस्माइल अली इस्माल बड़े बेटे हैं इसाकाम उनके बाद आए तो ये कुर्बानी के वाक़ का ताल्लुक बुनियादी तौर पर इस्माईल आम से क़ुरान का के अल्फाज हैं कि जब वो बच्चा जिसको ख़ुद कुरान हकीम ने कहा ग़लिन अली आपको हम एक ऐसे बच्चे की मशारत दे रहे हैं जो बहुत इल वाला समझ वाला अक्लदानश वाला हो वो बेटा जब इस काबिल होता है कि माँ बाप का हाथ बटाए बड़ा हो गया अब गोए तो और बढ़ जाती हैं बिल्कुल। उस मौके पर इब्राहीम असलात पर अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आती है एक खॉब देखते हैं और अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं वो आम ख्वाब नहीं होते बेमाना खवाब नहीं होते बेमक़सद ख्वाब नहीं होते अल्लाह ताला अंबिया पर बहुत से तरीक़ों से वही भेजता है उनमें से एक तरीक़ा ख़्वाब का भी फ़र्क इतना है कि बेदारी की जो वही है वो एज़ इट इज़ होती है, जिन अल्फाज में आती है जी उसका वही मफहम होता है ख़्वाब की वही ताबीर उसकी चाहिए होती है कि इसका मतलब क्या है मकसद क्या है लेकिन ये नहीं होता कि यह ख्वाब है तो ख्याल होगा आ जाता है नबी का ख्वाब सच्चा होता है तो ख़्वाब में वो देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर तो पहले तो ख़ुद उन्होंने इसकी ताबीर पे गौर किया सोचा कि इसका मफहम क्या हो सकता है तो उनका जेन इस चीज़ की तरफ गया कि अल्लाह ताला जो महबूब तरीन माल है दौलत है जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है उसकी ख़र्च करने।, करने की अल्लाह तरफ से ताक़द है और अरब माशरे में आज तक भी ऐसा है कि सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ ऊँट ऊँट है जी। इसी वजह से आप देखेंगे बहुत सारी अहदीस में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ की दौन अहमियत दौन। बताते हैं तो ये कह के बताते हैं कि ये सुरख ऊँटों से बेहतर है बिल्कुल तो उस कल्चर का अगर पता हो तो फिर अंदाज़ा होता है जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ये बात सोने से ज़्यादा कीमती है तो उन्होंने ये ख्याल किया उनके जहन में ताबीर आई कि इसका मतलब ये है कि मैं ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूं तो एक तादाद लेकर कुर्बान कर दी दोबारा वही ख्वाब फिर ख्याल आया कि शायद तादाद थोड़ी है ज़्यादा अल्लाह को तादाद मतलूब है एक और तादाद अल्लाह के रास्ते में पेश कर दी कुर्बान कर दी फिर इसी तरह ख्वाब जारी है अगली रात को भी ये आ गया फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं जो कुछ कहा जा रहा है दिखाया जा रहा है यही अल्लाह का मैं है। मकसूद है। अब उसके बाद देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बेटे को जाहिर बेटे की कुर्बानी है, है उसको उससे में लेंगे। उसको एतमाद में लेना जरूरी है जी। उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि, कि मैंने देखा है उसको कहा फनजुर माजा आता तुम बताओ तुम्हारी क्या राय तुम्हारे जहन में कोई इसकी ताबीर और आती हो तो वो बेटा भी तो इब्राहिम इस्लाम के थे उन्हें बजान जो अल्लाह का हुआ अल्ला। कोई दूसरी राय दी नहीं सतजिदुनी मिनसाविरे। मिनसाविरे। मैं कदम लोगों में से आपके साथ कितनी जबरदस्त तरबियत ये तरबियत है दोनों कुर्बानी दे रहे हैं जहर बाप भी कुर्बानी दे रहे हैं कि उसकी एक वाहद औलाद है बुढ़ापी की और ज़हर बेटा तैयार है कि ख्वाब बेटे को नहीं आया बाप को आया और वो उस पर ईमान रखते हुए अहतम करते हुए इसके कुरान ने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया असलमा दोनों ने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर बक, दिया और बायदा कुरान में लफ्ज़ है तल्ल जमीन पिशानी के बल लिटा दिए और छुरी हाथ में है वहाँ पहुँचने से पहले अल्लाह की तरफ से आ गया इब्राहिम तुमने तो ख्वाब सच कर दिखाया ना हो पर और फिर इस पर अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा कि इनहाज़ा लहूअल बलाउलमुबीन खुद अल्लाह कह रहा है कि ये तो बड़ी खुली आजमाइश थी इन्हीं को मामूली बात नहीं थी बहुत बड़ी वाज आजमाइश थी जिससे इब्राहीम और इसमाइल आलाम गुजरे बिल्कुल बिल्कुल और फिर उसके बदले में अल्लाह ने ख़ुद कहा वफ़दई नाह बहन अजीम फिर अल्लाह ने उसके बदले में एक मंडा भेजा के इसकी क़ुरबानी करें तो ये पस मंजर बताता है कि यह कुरबानी महज एक जानवर की कुरबानी जी नहीं। बिल्कुल ये क़ुरबानी अपनी ज़ात की क़ुरबानी है इसी वजह से रसूल्ला ने इस अमल का चूँकि आप को अल्लाह ने मिल्त इब्राहिमी पर भेजा आपके ज़रिए मिलत इब्राहिमी को अल्लाह ने ज़िंदा किया उसके अंदर जो तहरीफा शामिल हो गई थी जो बिदात हो गई थी खुराफा शामिल हो गए थे सबसे साफ़ करके आपने उस मिलत का अह्या किया तो ये कुर्बानी की जो इबादत है इसके मतलूबा मकासद और इसका फ़लसफा तो जैसे आपने बयान फरमा दिया मज़ीद इस पर क्या फरमा देखिए ना बात यही है न कि इसको ये इस बात को मज़दीद वाजे करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एक ख्याल पाया जाता है कि ये एक कस्म की माली कुरबानी ठीक है ज़ाहिर है माल तो ख़र्च होता है आपको जानवर ख़रीदना होता है या अगर जानवर आपके पास भी है तो ज़ाहिर है कि उसकी, उसकी कीमत है ज़ाहिर माल उसकी हमने कुर्बानी करनी होती है तो जिससे ख़्याल पैदा हो कि माल की कुर्बानी है तो लिहाजा अगर हम जानवर की कुर्बानी न करें वैसे अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दें किसीतमंद की मदद कर दें इस तरह की बहुत सारी तजावीजी आती हैं ये आजकल बहुत ज्यादा वायरल है तो अब ये चीज़ सोचने की है कि क्या वाक ये माली कुर्बानी है माली कुर्बानी तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत तरीके बता रखे जकत है बहुत सारी चीज और उसको पूरा सिस्टम बता बिल्कुल और ये जो जिस वाक़े से ये जुड़ा हुआ इसमें तो कई माल नहीं है बिल्कुल नहीं तो ये बुनियादी तौर पर अपनी जान की कुर्बानी ये तो अल्लाह ने हमें इनाम के तौर पर एक जानवर दे दी जी लेकिन नीयत उसके अंदर वही है कि ये खून जो इसका निकल रहा है इसी तरह मेरे खून की जब इस दीन को ज़रूरत होगी हो तो, तो मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हूँ आमादा हूँ कि मेरा दीन सबसे से मुकदम बिल्कुल पीछे नहीं हटूँ मैंने उसके लिए कुर्बानी दी बिल्कुल तो ये असल में जानी कुर्बानी की इबादत है जो जानवर की सूरत में अदा की जाती है इसको कोई और मुतबादल नहीं हो सकता बिल्कुल इसी तरह जैसे हर इबादत की एक जगह होती है जी अब रोज़ा एक इबादत है ज़कवात एक इबादत है नमाज एक इबादत है अब कोई शख्स ये कहे कि रोज़े की जगह मैं चार पाँच छः दस रकात पढ़ लेता हूँ नहीं तो नहीं होगी नहीं रोजा नहीं होगा ठीक है चल आपने कर... किसी की मदद करनी है जैसे आजकल जैसे हमारे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आपके हम सायगी में एक आदमी है जिसने बेटी की शादी करनी है या वो कैंसर में या वो ऐसे मर्ज़ में मुबतला है कि उसको पैसे की ज़रूरत है तो आपको कुर्बानी की क्या ज़रूरत है आप ये पैसे उसको दे दें उसकी जान बचा लें तो उसकी जान बचाने के लिए तो बेशुमाराएँ हैं आप उसको सदकार से दे सकते हैं ज़क़ात से दे सकते हैं हाँ, पूरे साल इंतज़ार करेंगे जी कि उस मौके पर मैंने इस बीमार की मदद करनी जी इसी तरह ये हज के बारे में भी यही कहा जाता है कि आप हज की बजाय आप आज हम हमारे माशरे में जितनी गुरबत है बेरोज़गारी है परेशानियाँ हैं तो हज करने की बजाय आप किसी अपने रिश्तेदार को दे दें तो हज अपनी जगह पर फ़र्ज़ है और रिश्तेदारों की तो यही चीज़ है ना मकसद है कि हर इबादत का एक मकसद है जी वो मकसद दूसरी इबादत से पूरा नहीं हो सकता जी बिल्कुल अच्छा आप जैसे हम बात कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से ये एक सवाल अक्सर हमारे जो नाजरीन हैं उनका होता है कि जानवर कैसा होना चाहिए और इसके साथ साथ जब हम कुर्बानी करते हैं तो इसके गोश्त को तीन हिस्से करने चाहिए और वो तीन हिस्से कौन से हैं और उसको कैसे तकसीम किया जा सकता है जैसे आजकल एक और ट्रेंड आया हुआ है कि आप कुर्बानी ना करें आप हमें पैसे दे दें हम आपके हिस्से की कुर्बानी करके हम गोश्त तकसीम कर देंगे या हम किसी और मद में लगा देंगे तो इसके बारे में आप चूँकि मुफ्ती भी हैं और जी आप दे देखें ये चीज़ भी है कि जिसमें हमें बाकायदा कुर्बानी के जानवर की तफसीत भी बताई गई जी इससे भी पता चलता है कि कुर्बानी एक अलहदा इबादत है जी कि इस तरह का जानवर वैसे तो अगर कुर्बानी महज एक रूटीन की कोई चीज़ होती तो कोई सभी जानवर लेके उसकी कर डेप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। साफ हलाल बिल्कुल। बिल्कुल। ये होता है कि हलाल जानवर होना चाहिए आप तफसीलात भी तो बताती है ना कि जी, उसमें ऐप नहीं होना चाहिए ये इम्पोर्टेंस है ये सबसे अहम चीज है कि आप उसको पूरी तरह देखें उसकी आंखें दुरुस्त हो उसके कान ठीक हो उसकी सिंग ठीक हो उसकी ना ना हो पूरी तरह चल सकता हो चारो पाओ उसके ठीक हो ये सारी तफसी हो हाँ जी उसका वाला हो एक साल का उसकी उम्र अच्छा उम्र असल में बुनियादी चीज़ उम्र है जी ये दांत वाला सिलसिला जो है ना ये नहीं है अब चूंकि होता क्या है हैमूम के एक साल के बाद उसके दांत गिर जाते हैं या दो दांत बड़े निकल आते हैं तो अब उसकी बुनियाद पर बहुत सारी गलत चीजें शामिल हो गई जी यानी जबरदस्ती दांत गिराए जाते हैं ये बात दिखाने के लिए कि ये तो दान गिरा चुका है इसका मतलब इसकी उम्र बड़ी हो गई तो अब हमारी सोसाइटी में जैसे हर जगह पे मसाइल आ गए तो बेचने वालों ने यह धंधा शुरू कर दिया कि उसकी उसको बड़ी उम्र का बताने के लिए उसके दान ज़बरदस्ती गिरा देते दिखाने के लिए देखें जी, देखें जी जी इसके देखेंगे टूटे, तो टूटे में इसकी उम्र ज़्यादा है हो सकता है उसकी उम्र एक साल से कम हो तो असल चीज़ जो है ना उसकी उम्र को कि अगर छोटा जानवर है तो एक साल और बड़ा जानवर है दो साल ऊँट है तो पाँच साल इसको इंश्योर होना ज़रूरी है उम्र का उसके साथ तो कुछ दांत हैं नहीं है गिर गए हैं जो भी कुछ वो एक्स्ट्रा चीज़ ठीक हो गया एक, एक साल का एक साल तो छोटे जानवर भेड़ दुम्बे के अंदर इतनी गुंजाइश रखी गई कि अगर वो सेहतमंद है एक साल का लगता है तो वहाँ गुंजाइश है कि एक साल से कम भेड़ या दुम्बा हो सकता है अच्छा बशर्ते कि सेहत उसकी इस, नजर, इस... आ नजर आ रहा है नजर आ रहा है कि एक साल लगता। अच्छी अच्छी मेहनत करते हैं अच्छी अच्छी हाँ। खुराक खिला के उसको वहाँ गुंजाइश है लेकिन बकरे में नहीं है उसकी पूरी एक साल उम्र जरूरी है गाय बैल है उसके दो साल पूरे जरूरी है ऊँट ऊँटनी है तो पूरे पांच साल जरूरी है ये उम्र इसके अंदर तो अब ये जो शराब बताती है इससे पता चलता है कि कर्बानी महज जानवर जवा करना नहीं बिल्कुल और इसी वजह से इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है फिर इसमें जैसे आपने शुरू में आयत भी पढ़ी है वो आयत भी इसी चीज़ को बता रही है कि इस जानवर की असल जो रूह है कुर्बानी की वो आपके दिल के अंदर जो अल्लाह से ताल्लुक़ है अल्लाह का अदब है अल्लाह की अजमत है वो है असल चीज़ कुर्बानी की सुभान ये तो एक अमल कुरान ने कह दिया है कि ना अल्लाह को इसका खून पहुँच रहा है वो तो ज़मीन पे गिर गया गोश्त है तुम लोगों ने खा लेना है अल्लाह तक तो उसने नहीं पहुँचना इसी वजह से कुर्बानी मुकम्मल हो जाती जो ही आपने जानवर ़़बा किया और हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि वो खून अभी ज़मीन तो पर गिरता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता सुबह अल्लाह अब चूँकि जानवर ़़बा हो गया है अब ज़ाहिर है कि उसका गोश्त है तो उसका भी हमें एक जब्ता बताया गया कि बेहतर यह कि आप उसके तीन हिस्से कर लें एक आप अपनी ज़रूरियात के लिए रख लें एक आपने ऐसे करीब गरीव, करीबी, अज़ीज़ वकारद जिन्होंने आम तौर तो पर कुर्बानी नहीं की होती आप उनको दें और तीसरा दीगर ज़रूरतमंदों में तकसीम करें तो अब तकसीम के अंदर जो है ऐसी कोई सख्त शराइत नहीं रखी गई वो हमारी मंशा पर है हालात के मुताबिक हम पूरा तकसीम कर दें आदा कर दें जैसे हालात हों लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि गोश का तबादला ना करें जी। कि मैंने भी कुर्बानी की आपने भी की मेरा गोश्त आपके घर आप जा रहा है आपका मेरे घर आ रहा है आज हमारे में यही कुछ हो रहा है। तो इसका तो कोई फायदा नहीं है आप उन तक पहुंचाएं जो नहीं कर सके और होते हैं और खास तो भी इस वक्त जो महंगाई है बिल्कुल ऐसे ही तो इसमें तो बहुत सारे खानदान ऐसे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको शायद साल में कभी कभार गोश्त आजकल महंगाई इतनी हो गई है गोश्त पहुँचता है तो अभी से इस चीज़ को जहन में रखा जाए तो ऐसे ख़ानदान जहन में रखे जाएं उन तक ये गोश्त पहुँचाया जाए तो इस तरह ये हमारी कुर्बानी एक भरपूर तरीके से पूरी रूह के साथ पाए तकमील को पहुँचेगी और इसका अजर सवाब भी अल्लाह ताला में अता करेगा और इसका जमाशरती नतीजा है या जो इसकी माशी फादियत है वो भी वाज हो सकेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईदुररहमान आवान साहब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और कुर्बानी के मौजू पर आपने तफसीली गुफगु फरमाई हमारे नाज्रीन ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँगे तो एक, आप... एक नुकते की मैं इसमें इस इजाफा जी, जरूर, करना ज़रूर जरूर, देखें इसमें ये जो एक अमल होता है कुर्बानी का इसकी बहुत बड़ी मुशी अहमियत भी है जी यानी आप ये देखना कि कितने लोगों के जानवर इसमें बिल्कुल फरोख्त होते हैं फिर उसके ज़रिए किसी लोग ज़िबा करने के अमल में शरीक होते हैं फिर उसके बाद उसके खाल के हवाले से एक अमल पूरा चलता है और तो एक बहुत बड़ी मुशी एक्टिविटी है जिसमें बहुत सारे लोगों के फ़ायदे जुड़े हुए हैं क़ुरबानी की इबादत के अलावा बल्कि कई ऐसे भी हैं हमारे माशरे में लोग जो साल में एक दफ़ा ही गोश्त खाते हैं तो इसके बहुत सारे पहलू हैं यानी अगर इस पूरे अमल पर गौर किया जाए तो जहाँ से वो जानवर तैयार हुआ जिस जगह से उस गांव से जहाँ पर लोग उसको तैयार कर रहे हैं वहाँ से उस आदमी से लेकर और उस आखिरी आदमी तक जी जो उसके खाल का कारोबार कर रहा है जी बिल्कुल तो इसमें कितने लोगों की मीशत जुड़ी हुई है बिल्कुल तो ये एक्स्ट्रा एक, एक फ़ायदा है इबादत के अलावा तो इसमें किसी हवाले से कोई नुकसान नहीं है जो हमें कहा जाता है ना इतने जानवर ऊबा हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा इतने जानवर कम हो जाएंगे हालांकि तो की की अल्लाह ताला की इस पे बरकत है जी। और इसको अब खालिस माशी नुक्ता नज़र से भी करके देखें तो खसारे वाली इसमें कोई चीज़ कोई चीज़, है। चीज़ नहीं है इसमें बहुत सारे लोगों की मीशत संवर जाती है बेहतर हो जाती है लोगों को इसके जरिए रोजगार मिल जाता है और असल चीज़ तो है वो इबादत है जी बिल्कुल वो नीयत होनी चाहिए और उसी नीयत के साथ जिनको भी अल्लाह ताला दिखलावे दिखलावा नहीं होना, नहीं, रियाकारी नहीं होनी चाहिए ये तो हर इबादत की रूह है जी, कि जो भी हम इबादत करें वो अल्लाह की रजा के लिए करें जी, इसी नुक्ता नजर से जब इबादत की जाएगी तो यकीन इस इबादत के भी हमें इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह नताइज देगा और आखिरत में भी इनशा जुलवा मिलेगा जी जी जाको खैरन मुकर्रम आपका बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो से शरीफ लाए और बहुत मुफीद मालूम फराहम किए आपसे आइंदा भी हम मजीद नए नए मौजूद पर आपके साथ हम प्रोग्राम इन करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया सर नाजरन कर प्रोग्राम आपने मुलाजा फरमाया और डॉक्टर साहब ने तफसील से कुर्बानी के जो मसाइल हैं आपकी खिदमत में पेश किए हैं और आखिर में बस यही बात करूँगा जो अभी पहले भी की है कि इसमें कोशिश ये करें कि किसी भी किस्म की रेकारी इसमें ना हो कि बच्चों बच्चों ने फरमाइश की है तो बच्चों की फरमाइश पर ये मैं ले आया हूँ असल चीज़ जो है वो तकवा कासूल है और ये जो इबादत है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ़ तकवा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि दीगर लोगों तक भी ये बात पहुँच सके इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान इफार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ Música